तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, सभी लोग को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। एंड आज मैं निकल चुका हूँ देवमाली के लिए। तो देवमाली कोरापुट से 60 किलोमीटर होगा। तो अभी मैं एकदम नहा पी के घर से निकल चुका हूँ। तो मिलते हैं बीच बीच रास्ते में, सब कुछ दिखा दूंगा कि कैसा रहेगा कैसा नहीं। और बनी रहे दोस्तों मेरी ब्लॉग में। तो चले चलते हैं। और दोस्तों मैं कोरापुट टाउन में अभी एंटर कर चुका हूँ। तो दोस्तों ये देख लीजिए मेरा आज नाश्ता। तो मैं इधर खा के कल के बाद आप लोग के साथ मिलेंगे और कैसा लगेगा कैसा नहीं खाना। तो दोस्तों फाइनली मैं बैठ गया। मैच लेट। तो देख लीजिए दोस्तों ये असेंबली उड़ा है। तो भाई लोग मिल चुके हैं, बड़ा भाई है मेरा, रुपम है भाई। बहुत अच्छा लगा मिल गया। और मुझे स्पॉट दुकान ढूंढ रहा था लेकिन भाई ने बता दिया, एकदम मस्त लगा। तो थैंक यू सो मच भाई। तो अच्छा लगा सर, मैं मिलूँगा, खरीद लिया है दोस्तों मैं। भाई तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धू। तो सिद्धू भाई के साथ मिल के एकदम मस्त लगा, जो कि स्पॉट दुकान में असेंबली का स्पॉट दुकान सब कुछ अवेलेबल है, बैट वेट वगैरह स्पॉट्स के लिए सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं साइकिल के लिए कुछ ग्लव्स खरीद लिया, 280 वाला है। तो बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं अगली बार। ओके 12 सेकंड्स। पटांगे दोस्तों। यहाँ इधर कुछ लिखा हुआ है देवमाली जाने का,
टॉप एल ओडिशा हाईएस्ट माउंट ऑफ पीक जाके 20 किलोमीटर, यहाँ से 20 किलोमीटर होगा 20 किलोमीटर तो आप चल सकते हो। Few moments later. दोस्तों फाइनली मैं आके पहुंच गया देवमाली की ऊपर में। दोस्तों साइकिल में आने से 10 रुपये आपको टिकट में टिकट करना पड़ेगा, तो इधर टिकट काउंटर है। फाइनली दोस्तों मैं मेरा सर के साथ मिल लिया है, बहुत अच्छा लगा। और इधर पैराग्लाइडिंग हो रहा है, पैराग्लाइडिंग हो रहा है जो कि 500 ले रहे हैं सब मिलके। और देख लीजिए दोस्तों बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मिला है। सर के भी चैनल है, आपका चैनल नाम सर का चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, जितना हो सके इतना ही शेयर करो दोस्तों। तो चलो टॉप पॉइंट में चलते हैं। और उसी टॉप पॉइंट में जाने से कितना एक्सपीरियंस रहेगा मे बी आई डोंट नो, बट जाना तो पड़ेगा। मैं आ चुका तो मेरा सपना भी पूरा करना होगा, तो चलो चलते हैं टॉप पॉइंट में। मैं टॉप ऊपर में जा रहा था तो भाई लोग ने मिले मुझे, मेरे साथ बातचीत किए, तो बहुत अच्छा लगा। और हेलो भाई, हेलो, आवाज़ तो आ रहा है। ओके तो बहुत अच्छा लगा और बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है दोस्तों। बीच बीच में भाई लोग सब मिलते हैं, कुछ बातचीत हो जाता है, तो बहुत एक्सपीरियंस मिलता है मुझे भी। तो मिलेंगे कभी, सी यू अगेन। ओके थैंक यू भाई, एंजॉय कीजिए। ओके ओके थैंक यू। ओके भाई, ओके ओके है, थैंक यू। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, भाई लोग भी मिले। और हमारी एक हाई स्कूल की स्टूडेंट, मेरा सीनियर भाई भी मिला था। तो दोस्तों फाइनली आई गॉट माई एंड पॉइंट। एंड पॉइंट में पहुंच गया। और इसमें जो एक्सपीरियंस आता है ना, वो थोड़ा हलेगी लेवल का आता है। तो इसमें ना दोस्तों सब कुछ अवेलेबल है। देवमाली ओडिशा का सबसे ऊंचा ही पर्वत है, जो कि इसका मीटर है 1672 मीटर है।
जो कि ओडिशा का हाईएस्ट पीक बोलते हैं। तो इधर दोस्तों पैराग्लाइडिंग हो रहा है, उसमें से पैराग्लाइडिंग करते हैं। और आप जानना चाहते हो तो इसमें रेस्टोरेंट वगैरह एक ही नहीं, मुझे पता नहीं दोस्तों, लेकिन इधर बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं। और ये ओडिशा का एक बेस्ट प्लेस माना जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों कभी आओ घूमने के लिए। और दोस्तों आओगे तो अगर प्लानिंग है ड्राइव कर रहे हो तो दोस्तों नवंबर या दिसंबर मंथ में आने के लिए ट्राई करो, जो कि उसी टाइम के व्यू एकदम मस्त लगेगा और एकदम थोड़ा अलग ही लेवल का लगेगा दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था कि आने के लिए मैं आया है आज, और मैं तो प्लानिंग किया था तो क्लाइमेट भी थोड़ा अलग ही लेवल का था, तो मैं आ नहीं पाया। तो आज मेरा सक्सेसफुली मेरा क्या ही बोले दोस्तों, मैं मंजिल पहुंच गया, मैं मंजिल पा लिया और पा गया। तो दोस्तों आई होप अगर आप लोगों को टूरिस्ट प्लेस देखने के लिए मन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और एकदम दिल से प्यार ऐसा जो मैसेज भेज सकते हो आप। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वॉच दिस वीडियो एंड मिलते हैं रात में, इधर मैं कैंपिंग कर लेता हूँ। तो सी यू अगेन इन